भारत के गर्भ में ऐसे कई प्राचीन मंदिर हैं जो अपने चमत्कारों के कारण काफी लोकप्रिय हैं, जहां विशेष प्रकार की शक्तियां महसूस होती है। इसी तरह के चमत्कारों और रहस्यों से भरा है उज्जैन का काल भैरव मंदिर, जहां भैरव को नैवेद्य के रूप में मदिरा का भोग लगाया जाता है और वो मदिरा देखते देखते कहां चली जाती है उसका रहस्य आज तक वैज्ञानिक और शोधकर्ता पता नहीं लगा पाए हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम आए हैं उज्जैन शहर से 5 किलोमीटर दूर भैरवगढ़ में स्थित पुण्य सलीला मोक्ष प्रदान करने वाली माँ शिप्रा के तट पर विराजित काल भैरव के दर्शन के लिए। उज्जैन की पूरी भूमि को उसर भूमि कहा जाता है, यानी शमशान की भूमि। भगवान महाकाल का मुख भी दक्षिण की ओर है, दक्षिण दिशा काल की दिशा होती है और यहाँ पर जागृत रूप में विराजित है काल भैरव। ओखरेश्वर शमशान में विराजित भैरव की यह मूर्ति चैतन्य है। काल भैरव का यह मंदिर लगभग 6000 वर्ष पुराना है। यह एक वाम मार्गी तांत्रिक मंदिर है। वाम मार्ग के मंदिरों में मांस, मदिरा, बलि, मुद्रा जैसे प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। प्राचीन समय में यहाँ सिर्फ तांत्रिकों को ही आने की अनुमति थी, वे ही यहाँ तांत्रिक क्रियाएं करते थे और कुछ विशेष अवसरों पर काल भैरव को मदिरा का भोग भी चढ़ाया जाता था। कालांतर में मंदिर को भक्तों के लिए खोल दिया गया, लेकिन बाबा ने भोग स्वीकारना यूं ही जारी रखा। कहा जाता है कि बहुत साल पहले अंग्रेज अधिकारी ने काल भैरव के मदिरा पान किए जाने के रहस्य को जानने की कोशिश की। उसका मानना था कि यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर विराजित है, इसलिए भक्तों द्वारा अर्पण की गई मदिरा शिप्रा नदी में घुल जाती होगी और बह जाती होगी। उसने प्रतिमा के आसपास गहरी खुदाई करवाई, परंतु उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहाँ से शराब जा सके। यह रहस्य आज भी रहस्य बना हुआ है, इसलिए मंदिर के बाहर प्रशासन द्वारा मान्यित मदिरा की दुकान से भक्त पूजा सामग्री के साथ अपनी शराब की बोतल लाते हैं और पुजारी को अर्पण करते हैं। पुजारी इसे एक प्लेट में डालकर मूर्ति के मुंह के पास ले जाते हैं और वह प्याला देखते देखते खाली हो जाता है। काल भैरव भक्तों के द्वारा अर्पण की गई मदिरा को चमत्कारिक रूप से सेवन करते हैं और अपने भक्तों के कष्टों को दूर और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जय श्री काली भैरवनाथ महाराज की जय। काली भैरव जी का इतिहास ऐसा है जिसका कि पूरी सृष्टि में रचना करने वाले पूरी सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रची थी। उस सृष्टि को ब्रह्मा जी ने रची थी। विष्णु जी ब्रह्मा जी में एक युद्ध हुआ कि सृष्टि की रचना करता मैं हूँ। ब्रह्मा जी बोले मैं हूँ, मैं हूँ, वो बोले मैं हूँ, तो दोनों आपस में विवाद करते रहे। उसको बोला शिव जी है सबसे बड़े, जितने लोग तो शिव जी के पास है, शिव जी इनको समझाए, दोनों को क्यों विवाद कर रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले मैं हूँ, मैंने सृष्टि रचना करी, मैं सृष्टि को खत्म करना चाहता। इतने दो बोलते शिव जी के पास गए, शिव जी के क्रोध से भैरव जी की उत्पत्ति हुई। भैरव जी के क्रोध से उत्पत्ति होते ब्रह्मा जी का पार्श्व मस्तक सेवन कर देते भैरव जी ने। अच्छा के लिए करो, बुरे के लिए करो, दोस्त तो दोष लगा था ब्राह्मण की हत्या करना पार्श्व मस्तक, इसलिए ब्रह्मा जी कहता, इसलिए ब्रह्मा जी की मूर्तियाँ बहुत कम नहीं थी अपने दर्शन के लिए, अन्य मूर्ति के अपने दर्शन नहीं होते। भैरव जी को दोष लगा, सब दिन घूमने जो पीड़ा हो रही थी उनको दोष के लिए काशी को उत्पाद ने उज्जैन के सेनापति की जिसमें विराज मारे काशी में बैठे वो काशी में गाथा चवाणी हुई क्या उज्जैन की जाइए, उज्जैन के शिप्रा नदी पर स्नान करिए और तामसिक पूजा में भैरव पर्वत तामसिक पूजा में अपने लिए पूजन प्रति हुई है। तामसिक पूजा में आता है अवगुण, अवगुण में आता है माँ से मदिरा है जो भी लेकिन नेहरू जी ने अपने ऊपर सेवन की। सेवन करने के बाद शिव जी को पता चला कि यार ये मेरा विषय हो गया, ये चीज़ें क्यों सेवन कर रहे। शिव जी शिव में प्रकट हुआ, भैरव जी से पूछा आप ये सब क्यों कर रहे हैं। भैरव जी ने बोला कि मैंने ये कार्य किया था, भगवान अच्छा करी थी मैंने और आपका अहिंस रूप में आपकी ग्रोथ से उत्पत्ति हुई है मेरी, तो मुझे जो दंड है इससे मुझे मुक्ति प्रदान करे। शिव जी ने इनको आशीर्वाद दिया, फिर इनके दर्शन करे, फिर महाकाल जी के दर्शन करो, ज़्यादा लाभ मिल गया। यहाँ के सेनापति के रूप में विराजमान ही करेगी शिप्रा नदी मोक्ष शिप्रा नदी और स्नान किया, जो भी दोस्त लगा था उनसे दोस्त ये हुआ, उनके दर्शन करने से अपने से गलती स्थिति भी मरी, अपन परेशान हो अपने से दोस्त लगाए, दर्शन करने से वो दोस्त दूर होता है। और मदिरा पानी ऐसा नहीं कि इनको शौक है मदिरा पानी इसलिए कहते हैं, मदिरा पानी का बताया अभी मैंने आपको, मदिरा पानी इनका अवगुण के रूप में इन्होंने स्वीकार करी, मदिरा विष के रूप में है, शिव जी के होता है इसलिए मदिरा पानी को होता है, माँ से मदिरा शमशान में बैठे इसमें सब कुछ चलता है इनको भी। और पहले तो भगवान को शिवम भगवान चांदी की प्लेट में मंत्र शक्ति से मदिरा ग्रहण करते हैं, आज तक पता नहीं चला मदिरा कहाँ जाती है, यही यहाँ का चमत्कार है। बड़े बड़े साइंटिस्ट ने अच्छे से रिसर्च कर लिया, मदिरा कहाँ जाती है, भैरव जी के नीचे तक गीला तक नहीं मिलता। 2004 में निर्माण हुआ था मंदिर का, जब भी यानी खोद के आजकल तो मशीन ऐसी आ रही पर कुछ भी नहीं मिला, शासकीय प्रसाद चढ़ता है भैरव जी को मदिरा का और ये प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है भैरव जी को। कलेक्टर साहब चढ़ाते हैं मैंने सवाल, हाँ कलेक्टर साहब का प्रसाद एक पहले सुबह जो भोग लगता है कलेक्टर साहब ही लगता था पहले भोग, अजय में पंडित जी द्वारा लगाया जाता है हर सुबह उठते पहले पंडित जी का भोग कलेक्टर द्वारा ही शासकीय ही रहता है, शासकीय दुकान में मंदिर मदिरा खुला रही इसीलिए खुली रहती है यहाँ पर, हाँ शासकीय भोग भगवान का लगाया जाता है। और मदिरा कहाँ जाती है तो पता है चला ही नहीं आज तक कहाँ जाती है मदिरा, इसको अवगुण के रूप में चढ़ाते इसको पीना नहीं है मदिरा को, जैसे बहुत सारे लोग अपने शौक के लिए आते हैं अच्छी ब्रांड भगवान को फिर अर्पण की जाती है,
मर्यादा थी। भैरव जी की प्रसाद जो रहती है मीठा प्रसाद, वो आप ले जा सकते हो। राजस्थान में भैरव जी का प्रसाद नहीं जाता है, राजस्थान के स्टेट के पहले ही भैरव जी का प्रसाद नहीं रहते हैं। राजस्थान के लोग बाकी जगह सबको ले जा सकते हो, भैरव जी का प्रसाद है।